أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم। ईश्वर अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील तथा अत्यंत दयावान है। भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक जगत के कार्यक्रम कुरान वर्तमान युग में जीने की कला के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। कुरान के 19, 20 और 21 भागों के अध्यायों में जो शिक्षाएं दी गई हैं उनका एक सार मैं यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। इंसान के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसमें उच्चता और मजबूती लाने के लिए, उसके विचारों और उसकी सोच को सही और स्पष्ट होना ज़रूरी है। यही कारण है कि कुरान की शिक्षाओं का यही केंद्र बिंदु है और अंतिम ईश दूत हज़रत मोहम्मद, उन पर ईश्वर की कृपा हो, ने भी यही रीति अपनाई। अभी तो कुरान के इस खंड में भी इसी बात पर बल दिया गया है। सर्वशक्ति संपन्न एक ईश्वर में विश्वास को अधिक जोरदार दलीलों और सुंदर उपमाओं तथा मिसालों के द्वारा व्यक्त किया गया है। इंसान तथा उसके सामने की चीज़ों पर प्रश्न उठाकर बात को दिल में बैठाया गया है। इस खंड में कुछ प्रसिद्ध पैगंबरों के आह्वान और उनके प्रयासों तथा जनता द्वारा उस पर प्रतिक्रिया का भी उल्लेख है। हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत सुलेमान, हज़रत नूह, हज़रत लूत आदि, उन सब पर ईश्वर की कृपा हो के हालात बताकर इंसानों को सचेत किया गया है। अंतिम ईश दूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश और उनके मिशन को स्पष्ट किया गया है और लोगों को आदेश दिया गया कि उन्हें अपना आदर्श और या रोल मॉडल बनाएं। यहाँ परलोक की अवधारणा और परलोक के विचार को भी व्यक्त किया गया है और उसको भी लोगों के मन में बिठाने का प्रयास किया गया है। 27वें और 31वें अध्याय के आरंभ में स्पष्ट रूप से कुरान को इंसानों के लिए मार्गदर्शन, शुभ सूचना, दयालुता या रहमत तथा वास्तविक सफलता बताया गया है। इंसान में मानसिक चेतना के साथ जमीन पर उसके आचरण को दिशा दी गई है। इसी रोशनी में कुछ बिंदुओं पर हम थोड़ा यहाँ विचार करेंगे। 29 के मंत्र 41 में मकड़ी के घर की मिसाल दी गई। कहा गया, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे संरक्षक बना लिए हैं उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है, जो अपना घर बनाती है और सब घरों से अधिक कमज़ोर मकड़ी का घर होता है। काश ये लोग ज्ञान रखते। यहाँ कमज़ोर चीज़ों का और कमज़ोर चीज़ों पर भरोसा करने की इंसान की गलती को सुंदर उदाहरण देकर समझाया गया है। ये कुरान में 33वें अध्याय में कहा गया, अरबी में मैं पहले पढ़ रहा हूँ, लकद काना लगुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, जिसका अनुवाद इस प्रकार है, निस्संदेह तुम लोगों के
अल्लाह की तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना या उत्तम आदर्श था। यहाँ ईशदूत हज़रत मोहम्मद उन पर ईश्वर की कृपा हो को लोगों के लिए रोल मॉडल बताया गया है। और वास्तविकता भी यही है कि एक और तो पवित्र कुरान जो एक सुरक्षित ईश्वरीय ग्रंथ है वो मौजूद है, तो दूसरी ओर उसको धरातल पर कैसे अपनाया जाए, जीवन के प्रत्येक अंग में उस पर कैसे अमल किया जाए, इसका एक मुकम्मल नमूना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पवित्र व्यक्तित्व है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी, उनके कथन, उनके आदेश, उनके समय की सारी चीज़ों का प्रामाणिक रिकॉर्ड हदीस और कुरान की टीकाओं और पवित्र जीवनी संबंधी ग्रंथों में आज भी सुरक्षित है। यही कारण है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन, आपके कारनामों, आप द्वारा 23 साल की अल्प अवधि में रब अरब के उस भूभाग में रची गई क्रांति से सभी चकित और हैरान हैं। प्रतिष्ठित लेखक और विद्वान माइकल हार्ट जब अपनी पुस्तक में निष्पक्ष होकर शोध को प्रस्तुत करता है तो ईसाई होने के बावजूद दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले स्थान पर रखता है। अब मैं आपके सामने लुक्मान हकीम ने जो अपने बेटे को उपदेश दिए थे उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अरब में एक बुद्धिजीवी लुक्मान हकीम थे जो अरब के लोगों में बड़े प्रसिद्ध थे। उनके कथनों को बहुत महत्व दिया जाता था। कुरान के 31वें अध्याय में जो लुक्मान के नाम से ही है वो नसीहतें कोट की गई हैं जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। उनका सारांश यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले ये उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की कि ईश्वर के साथ किसी को साझी ना बनाना। दूसरा ये कि माता पिता के अधिकार को, उनके हक को पहचानना। फिर नमाज पढ़ना यानी ईश्वर की उपासना करना, अच्छाई का आदेश देना और बुराई से रोकना, मुंह फेर कर बात न करना, चाल ढाल और आवाज में संतुलन रखना। अध्याय 25 के अंत में नेक लोगों के अंदर क्या गुण होने चाहिए उसका उल्लेख किया गया है। 74वें मंत्र में कहा गया कि रहमान अर्थात कृपालु और दयालु प्रभु के वास्तविक बंदे वे हैं जो धरती पर विनम्रता से चलते हैं, नरमी के साथ चलते हैं, और जब अज्ञानी उनके मुंह लगते हैं या उनसे झगड़ा करते हैं तो वो वहाँ से हट जाते हैं, अपने खर्च में संतुलन स्थापित करते हैं और किसी की नाहक हत्या नहीं करते, व्यभिचार में लिप्त नहीं होते और झूठ के गवाह नहीं बनते और अपनी संतानों के लिए ईश्वर से दुआ करते हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसा तथ्य रख रहा हूँ जो कुरान में बताया गया है और जो आज की का विज्ञान है वो उसको देख पाया है या उसको उसकी जानकारी कर पाया है, लेकिन कुरान में ये 1450 वर्षों पहले ही इसका उल्लेख मौजूद है। इसमें अध्याय 25 के मंत्र 53 में
कहा गया, वही है जिसने दो समुद्रों को मिला रखा है, एक स्वादिष्ट और मीठा, दूसरा कड़वा और खारा, और उन दोनों के बीच एक पर्दा है, एक रुकावट जो उन्हें गड़मट होने से रोके हुए है। कुरान के दूसरे स्थानों पर भी इसी तरह का उल्लेख है, मीठे और खारे पानी एक जगह होना और गड़मट न होना। आज दुनिया इस तथ्य को भली भांति जान चुकी है, परंतु 14 सदियों पूर्व जब ये वाक्य अवतरित हुआ उस समय इसकी कोई जानकारी दुनिया को नहीं थी। ईश्वर जो हर चीज का ज्ञान रखता है वो ही ये बता सकता था। इसी प्रकार कुछ अन्य वैज्ञानिक तथ्य जिसमें इंसानी बच्चे की पैदाइश के विभिन्न चरणों का उल्लेख है, वो कुरान के अंदर उसे देखकर भी वैज्ञानिक हैरान हैं और उस पर उनको बहुत अचरज होता है। इससे पता चलता है कि ये ईश्वर का कलाम उसकी वाणी है और वो चूंकि सब चीज़ों को जानता है इसलिए उन चीज़ों का उसने उल्लेख किया जो उस समय लोगों की जानकारी में नहीं थी। इसी प्रकार एक ऐतिहासिक घटना या तथ्य है, अर्रूम नामक अध्याय में विश्व इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को उल्लिखित किया गया है। इसमें रोम वासियों और ईरान यानी रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के बीच जो उस समय दो सुपर पावर्स थी उनके बीच जो युद्ध चल रहा था उसके सिलसिले में कुरान में भविष्यवाणी की गई। इसके अध्याय 30 के प्रारंभ में मंत्र 2 और 3 उसमें कहा गया है कि रूमी यानी रोमवासी रोमन एम्पायर रूमी निकट के भूभाग में पराजित हो गए हैं और इस पराजय के बाद कुछ ही वर्षों में वे विजयी हो जाएंगे, जीत जाएंगे। कुरान तथा इस्लामी इतिहासकारों के अतिरिक्त अन्य इतिहासकारों ने भी कुरान की इस भविष्यवाणी का उल्लेख किया है। सन 615 ईस्वी में जब कुरान के ये मंत्र अवतरित हुए तो उस समय रोम और ईरान के युद्ध में रोम अपनी हार के कगार पर पहुंच गया था और ऐसे कोई आसार नहीं थे कि वे अब दोबारा उठ सकेंगे, परंतु 8-10 साल के अंदर ही रोम की सेनाओं ने ईरान पर आक्रमण करके विजय पताका लहराना शुरू किया और ईरान ने मजबूर होकर रोमन एम्पायर से समझौता किया, संधि की। ये भविष्यवाणी इस बात का एक और प्रमाण है कि कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है। इसी अध्याय के 41वें मंत्र में एक बहुत स्पष्ट बात कही गई है। कहा गया है कि ज़हरल फसाद फिल बर्री वल बाहरी बीमा कसबत ऐदी नास, धरती और समुद्र में बिगाड़ पैदा हो गया है लोगों की अपने हाथों की कमाई के द्वारा। फसाद यानी लड़ाई झगड़े बिगाड़ करप्शन अत्याचार हत्याएं इस तरह की जितनी भी बिगाड़ हैं ये इंसानों की अपनी करतूत है, अपने हाथों की कमाई है, उसने स्वयं ये रास्ता अपनाया है। न्याय सुधार और मानवता का रास्ता छोड़कर जब अन्याय और जुल्म सितम और ज्यादती का मार्ग अपनाया जाता है तो जीवन के प्रत्येक अंग में तथा संसार के प्रत्येक क्षेत्र में बिगाड़ आ जाता है। इस बिगाड़ को ईश्वरीय आदेशों तथा उसके संदेशवाहकों की शिक्षाओं द्वारा ही दूर किया जा सकता है, विशेषकर
ये विश्वास कि हमें परलोक में जाकर अपने कर्मों का हिसाब देना है। अध्याय 30 में एक बात ब्याज के संबंध में बताई गई, कहा गया है कि जो ब्याज तुम देते हो ताकि लोगों के धन से लोगों के धन में सम्मिलित होकर उसमें बढ़ोतरी हो जाए, तो ईश्वर की दृष्टि में वो नहीं बढ़ता। ये ब्याज के संबंध में प्रारंभिक परंतु बुनियादी बात बताई गई है। इसके बाद कुरान के दूसरे जो आदेश आए हैं उसके द्वारा ब्याज को पूरी तरह प्रतिबंधित और वर्जित कर दिया गया। यहाँ केवल उस सोच को नकार दिया गया कि ब्याज से धन में वृद्धि होती है, नहीं बल्कि जकात और दान पुण्य से धन बढ़ता है। ब्याज वास्तव में स्वार्थ, कंजूसी और तंगदिली पैदा करता है। ब्याज आधारित व्यवस्था में सामाजिक तथा मानवीय मूल्यों का पतन हो जाता है। इस्लाम ब्याज आधारित व्यवस्था को समाप्त करके लाभ हानि बंटवारे वाले यानी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सिस्टम को अपनाने का पक्षधर है। इकतीसवें अध्याय में इंसानों को सीधे संबोधित करते हुए जो आदेश दिया गया, जो शिक्षा दी गई, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कहा गया, ए लोगों, बचो अपने रब के प्रकोप से और डरो उस दिन से जब न कोई पिता अपनी संतान की ओर से बदला देगा और न कोई संतान अपने पिता की ओर से बदला देने वाली होगी। निश्चय ही अल्लाह का वादा सच्चा है, अतः सांसारिक जीवन तुम्हें धोखे में न डाले और न अल्लाह के विषय में वो धोखेबाज यानी शैतान तुम्हें धोखे में डाल सके। निस्संदेह उस समय का ज्ञान अल्लाह ही के पास है। वही वर्षा करता है, वही जानता है जो कुछ गर्भाशयों में है। कोई व्यक्ति नहीं जानता कि कल क्या कमाएगा और कोई व्यक्ति नहीं जानता कि किस भूभाग में उसकी मृत्यु होगी, मौत होगी। निस्संदेह अल्लाह जानने वाला और खबर रखने वाला है। अर्थात परलोक की जवाबदेही से यहाँ सावधान करते सचेत करते हुए बताया जा रहा है कि उस दिन प्रत्येक मनुष्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। कोई दूसरा किसी का बोझ उठाने को किसी भी प्रकार तैयार नहीं होगा, यहाँ तक कि सगे संबंधी भी और रिश्ते भी काम नहीं आएंगे। दुनिया का माया मोह और शैतान की उकसाहटें इंसान को सन्मार्ग से हटा सकती हैं, इसलिए उससे यहाँ पर सचेत किया गया है और सावधान रहने का आदेश दिया गया है। दूसरी आयत में एक बड़ी वास्तविकता को प्रस्तुत किया गया है कि कयामत कब आएगी, माता के गर्भ में क्या है, मनुष्य के भविष्य में क्या छिपा है और आदमी की मौत किस स्थान पर होगी, इसका ज्ञान केवल अल्लाह को है। आदमी इतना बेबस है और बेबस होते हुए भी अपने आप को पालनहार की अवज्ञा, उसकी नाफरमानी करने की गलती कर रहा है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी इसमें और जो मैंने सार के अंदर प्रस्तुत की हैं। और आज के अंक में बस इतना ही। अल्लाह ईश्वर हमारी मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद।